हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हमारा हाथियाई में लास्ट डे है और ये हमारा होटल है जो नीचे का रिसेप्शन है। और आज हमारा लास्ट डे है तो हमने चेकआउट कर लिया है और मेरे जो दो फ्रेंड है वो यहीं पे कोई घूमने गए हैं, जहाँ पे उसको मसाज वसाज कुछ स्पेशल वेशल करवाना है तो वो लोग वहाँ पर गए हैं। तो हम उनकी वेट कर रहे हैं और जैसे ही वो लोग आ जाएंगे हाफ़ एन आवर में हम टैक्सी पकड़ के हमारा एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट पे हमारा फ्लाइट है दोपहर को 3 बजे का और अभी बजा है 11:15। तो टैक्सी में भी वहाँ पे जाने में हमको लगेंगे 30 से 40 मिनट। एक्चुअली अभी हमारा बहुत सारी चीज़ें घूमना था, जो केबल कार है, फिर वो यहाँ पे हिल पे एक और टेंपल था, बुद्धिस्ट टेंपल, वो भी हमारा कवर करना रह गया है। एक्चुअली हमने दिन कैलकुलेट कम कर दिए, फ्राइडे सैटरडे संडे, पर फ्राइडे को हमको सिर्फ हाफ डे मिला था। अभी देखते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे वापस और एक्सप्लोर करेंगे जो हमने नहीं किया है। ज़्यादातर यहाँ पे हाथियाई में ओल्ड पीपल आते हैं, एल्डरली पीपल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसाज सस्ता है, शॉपिंग सस्ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाना तो बहुत सस्ता है यहाँ पे, तो अगर आपको एशियन फूड अच्छा लगता है तो हाथियाई आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने गौर की है, यहाँ पे जो भी मोटर बाइक चलाता है ना, ज़्यादातर लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। मास्क ज़्यादातर लोगों के मुंह पे आपको दिखेगा पर हेलमेट नहीं दिखेगा, क्योंकि उन लोगों को शायद ये सोचना होगा कि एक्सीडेंट से मर जाएंगे तो चलेगा, पर कोविड से नहीं मरना चाहिए। हमने जहाँ से बाइक ली थी, मैं उसका जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो ये एक्चुअली सिटी सेंटर एरिया है तो यहाँ पे हमने बहुत इंक्वायरी की बाइक रेंटल के लिए, कार रेंटल के लिए, पर हमने कोई ऐसी कोई खास जगह नहीं मिली। हमने 2-3 जगह पे ट्राई किया था पर वो शॉप क्लोज थी और सब कुछ वहाँ पे थाई में लिखा होता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि भाई आज के दिन क्लोज है या फिर ये अभी शॉप है ही नहीं। तो मैं अब जो बाइक रेंटल वाले का लड़की का नंबर है वो मैं नीचे डाल दूँगा, तो आप वो वहाँ से भी आप अगर आप यहाँ पे आए तो आप बुक कर सकते हैं। अभी हमने टैक्सी मंगवा ली है एयरपोर्ट जाने के लिए, होटल से ही ले लिया। 350 बाट में होटल से एयरपोर्ट, 4 बंडों का। एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं अभी। अभी हमारा सिक्योरिटी चेक होगा और हम बोर्डिंग का पास ले लेंगे और उसके बाद फिर आगे बताता हूँ। यह है हाथियाई का छोटा सा एयरपोर्ट, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। सिर्फ आई थिंक 2-3 फ्लाइट ही ऑपरेट करती होगी, एक सिंगापुर से आती होगी और एक मलेशिया से, या फिर इंटरकनेक्टेड कुछ कुछ फ्लाइट्स होगी, क्योंकि सिर्फ जब हम पहली बार आए थे ना तब दो ही काउंटर ओपन हुए थे, एक एयर एशिया का था और एक स्कूट का था। तो यहाँ पे एयर एशिया ही ज़्यादा आती होगी और स्कूट तो सिंगापुर से ही आती होगी। जैसे ही एंटर करोगे वहाँ से आपका सिक्योरिटी चेक भी हो जाएगा और आपको सिर्फ यहाँ पे सेल्स काउंटर मिलेंगे एयर कंपनीज के, यहाँ से आप टिकट भी ऑनलाइन परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं। Our flight is 305 Singapore 635। यहाँ पे सुवेनियर की शॉप्स भी हैं तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लेना है अपने घर के लिए, और यहाँ पे पैसे भी विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बर्गर किंग है, फिर कॉफ़ी शॉप्स भी है। इतना बड़ा मास्क लगाया है इन लोगों ने भी कि मास्क पहनना ज़रूरी है। हमने बर्गर किंग से थोड़ा खाना परचेस कर लिया है क्योंकि अंडर एयरपोर्ट में, मतलब अंडर प्लेन में तो खाना बहुत महंगा मिलने वाला है, पर ये भी कोई सस्ता नहीं है। $10 पर मील पड़ा है हमको।
और यहाँ पे चेक इन के लिए बहुत लंबी लाइन है। हमारा चेक इन हो चुका है और हमसे सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा और कुछ नहीं मांगा। अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। हमारा गेट नंबर है 6। नूरमजी से बोल रहा हूँ। हम सिंगापुर लैंड हो चुके हैं। फ्लाइट ठीक ठाक रही, 1 घंटे की फ़्लाइट थी, ज़्यादा दूर नहीं है हाथियाई, तो 1 घंटे में हम पहुँच गए हाथियाई से सिंगापुर। और सिंगापुर एयरपोर्ट पर बहुत सारी भीड़ है तो इमिग्रेशन में शायद टाइम लग सकता है। Bro, how's the trip? The trip was so nice, so good. Yes, bro. It was nice. You want a budget trip? Just this one. This one very very cheap place. Very very cheap place. If you want so excitement or adventurous trip, you can go Thailand. Bro, what? Thailand where? Just now we come from Thailand. Thailand, yeah, Hatyai, Thailand Hatyai. But this is the अंडररेटेड डिस्ट्रिक्ट ला, अंडररेटेड सिटी। अभी तक ये इस सिटी के बारे में किसी को पता नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो लोग पताया या फुकेट क्रैबी ऐसी जगह पे जाते हैं, पर हाथियाई में इतना नहीं है। जो एडल्ट्स के बीच एडल्ट्स क्लब वॉकिंग स्ट्रीट ये सब नहीं है, पर हाँ अच्छा है, आप शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है, बहुत सस्ता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आपको मिलूँगा अगले वीडियो में।